ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर। सबसे पहले आपको हमारे क्लास डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जानकारी की बात आपको हम ये बता दें कि मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर सीरीज चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और इसमें जो है इसके पूर्व के लेक्चर्स को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाइए इसके पूर्व के लेक्चर्स को देखिए, तभी बेटा ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आपको समझना है तो इसके पूर्व के लेक्चर्स को ज़रूर समझिए जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह हम आपको बता दें कि मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स जो बिल्कुल UPBT के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने हैंड रिटेन नोट्स डाल दिया है, बिल्कुल मॉडिफाइड वर्जन में है, उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ही नहीं है। अगर कहीं से कुछ आपको लग रहा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। आपका सजेशन, आपका सुझाव हमारे लिए सादर आमंत्रित है। हम आपको आज की टॉपिक में शुरू करने जा रहा हूँ पी कोन रजिस्टर्स। आप कहेंगे सर ये सीरीज़ कब तक चलता रहेगा, तो 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था, आपके रैम में डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं उनकी संख्या टोटल 21 होती है, जिसके बारे में हम संपूर्ण रजिस्टर्स की स्टडी करेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसका डिस्कशन जब यह चैप्टर समाप्त होगा तब किया जाएगा। बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इनके बारे में कैसे आपको याद रखना है ये भी ट्रिक हम बताएंगे, उसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो आज हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए सीरीज़ को एक शॉर्ट वे में हम रिवीजन करा देते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 51 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बता रहे हैं हम आपको, कि जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को बताया और इसके पहले वाले वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पिन डायग्राम। आप पिन डायग्राम को ज़रूर जाइए वहाँ पे और पिन डायग्राम को ठीक से देखिए और समझिए, क्योंकि पिन डायग्राम से ही सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। यहाँ इस टॉपिक को समझने के लिए हमने आपको इंटरप्ट से रिलेटेड सारे रजिस्टर्स इसके पर्व के लेक्चर में बताया। जैसे मैंने आपको बताया कितने प्रकार के इंटरप्ट होते हैं, तो 5 प्रकार के इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से, तो 2 एक्सटर्नल, 3 इंटरनल, इनका नाम मैंने बताया था। 2 एक्सटर्नल INT0 INT1 और बाकी इंटरनल इंटरप्ट हमने बताया था TF0 TF1 और R1 T1। TF1 TF0 ये दोनों आपके टाइमर के इंटरप्ट्स हैं, और आपके R1 T1 सीरियल पॉइंट इंटरप्ट है, इनके बारे में हमने डिटेल स्टडी कराया था। मैंने बताया था इंटरप्ट को अगर इनेबल करना हो तो IE रजिस्टर, मतलब इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर्स का यूज करते हैं, जो 8-bit का रजिस्टर्स है। अगर मान लीजिए आपने 2-3 इंटरप्ट को इनेबल कर दिया है, अगर बाय द वे अगर 2-3 इंटरप्ट एक ही साथ डिवाइस पे जनरेट होती हैं, तो CPU उनमें से किसको प्रायोरिटी देगा, इसके लिए IP रजिस्टर इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में मैंने आपको इसके पूर्व लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। कुछ इंटरप्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाते हैं, उसका क्रम होता है कि बिना कुछ किए वो अपना सेट हो जाएंगे, जो उसमें प्रायोरिटी जिसकी हाई रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट में, हमने उसका भी बना दिया था सीरीज। अब फिर इसके लिए रजिस्टर्स बनाए जाते हैं जिसमें जिस बिट की प्रायोरिटी हायर होगी वही क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी इसके पूर्व के लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम आपको स्टडी कराने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, पी कोन रजिस्टर्स के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द पी कोन रजिस्टर्स। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं पी कोन रजिस्टर, इसको हम कहते क्या हैं, पावर कंट्रोल रजिस्टर। क्या है ये पावर कंट्रोल रजिस्टर, हमारे साथ साथ बोलिए कौन सा रजिस्टर है ये पावर कंट्रोल रजिस्टर, एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से आप लिख सकते हैं पावर कंट्रोल रजिस्टर्स इज वन टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर विच कंटेंस 8-bit, इन विच जिसमें
थ्री बिट्स स्पेस आर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर। ठीक है, इसको हिंदी में भी मैं समझाने जा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसको आप लिख सकते हैं पावर कंट्रोल रजिस्टर इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ये आपका पावर कंट्रोल रजिस्टर क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का ही एक टाइप है विच कॉन्टेंस 8 बिट, जो 8 बिट को कॉन्टेन करता है, इन विच 3 बिट स्पेस आर रिजर्व फॉर फ्यूचर। इसमें जो 3 बिट हैं जो फ्यूचर के लिए क्या हैं, रिजर्व हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम देखते हैं डिफरेंट मोड हैं। ये आपका 8 बिट का है तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर दें बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7। ठीक है, इस प्रकार 8 बिट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें जो सबसे पहला है आपका क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें जो पहला है आइडियल, इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल मोड। ये आपका पावर को कंट्रोल करता है रजिस्टर। आइडियल मोड अगर 1 हो गया तो होता क्या है, इसमें जो भी क्लॉक पल्स हैं वो सीपीयू को न दे करके कहाँ दिए जाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्लॉक पल्स प्रोवाइड्स टू पेरिफेरल डिवाइस। इसमें क्लॉक पल्स प्रोवाइड्स टू पेरिफेरल डिवाइस नॉट सीपीयू। इसमें पेरिफेरल डिवाइस को नो देकर के हम क्लॉक पल्स किसको देते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको देते हैं। कब, जब ये आपका इनेबल हो जाएगा आइडियल मोड तब। ठीक है, अब हम बताते हैं ये पीडी क्या है, इसको हम बोलते हैं पावर डाउन मोड। ठीक है, पीडी क्या है बेटा, पीडी को हम बोलते हैं पावर डाउन मोड। सेकेंड बिट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका कौन सा बिट रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बिट 0 था, ये आपका क्या है बिट 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं पावर डाउन मोड। इस मोड में क्या होता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पावर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, पावर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, पावर ऑफ 805 माइक्रो कंट्रोलर बिकम डाउन। ठीक है, क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और इस समय जो क्लॉक वो जो OSC है, ऑक्सीलेटर जो है, वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इसमें होता क्या है, अगर ये इनेबल हो गया तो जो आपको OSC है इज क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है, ये कंट्रोल सिग्नल देना क्या हो जाती है, बंद कर देती है। इसके बाद GF1 और GF2 क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें GF1 एंड GF2, ठीक है ना, फॉर प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, प्रोग्रामर के द्वारा ये डिसाइड किए जाते हैं कि इसमें GF1 और GF0 ये दोनों जो बिट हैं ये किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ये दोनों प्रोग्रामर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, इनको कब सेट करना है, कब रीसेट करना है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ये दोनों बिट को प्रोग्रामर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट होता है यस मोड। ठीक है, जब यस मोड 1 होता है तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जब आपका यस मोड ऑन हो जाता है तो जो आपका बॉड रेट है, बॉड रेट ये कितना हो जाता है, 2 times हो जाता है, कितना हो जाता है, बॉड रेट 2 गुना हो जाता है। अब बॉड रेट क्या होता है, जिस स्पीड से डाटा पर सेकंड ट्रांसफ़र होती है, यानी कि स्पीड ऑफ डाटा पर सेकंड इज कॉल्ड बॉड रेट। डाटा जिस पर सेकंड कितना ट्रांसफ़र हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉड रेट बोलते हैं। आप देखते होंगे जब काइन मास्टर से आप कभी वीडियो बनाए हों, अगर काइन मास्टर से आप उसको एडिट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन देता है बॉड रेट का, तो लोग क्या कर देते हैं,
अपने अंदाजा अनुसार बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। उसका कहने का मतलब ये होता है कि आप जिस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज़ में देखिए कि उसमें उसका बॉड रेट क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इस यहाँ भी बॉड रेट को हम क्या करते हैं डिसाइड करना चाहिए, तभी जो है एक्सपोर्ट फास्टली होता है। तो बॉड रेट बताता है डाटा पर सेकंड स्पीड बताता है बॉड रेट को। अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका बॉड रेट है वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो पी कोन रजिस्टर है जिसको पावर कंट्रोल रजिस्टर्स बोलते हैं उसके सारे बिट्स को मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें सबसे पहला आपका बिट था आइडियल बिट, जिसमें अगर इनेबल हो गया उसका मतलब होता है कि क्लॉक पल्स किसको दी जाती हैं, सीपीयू को न दे करके किसको दी जाती हैं पेरिफेरल डिवाइस को दी जाती हैं, ठीक है। फिर आपका पीडी है, पावर डाउन मोड है, इसमें आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पावर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है अगर ये इनेबल हो गया तो। और इस समय ओएससी जो एक्सीलेटर है जो एक कंट्रोल फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है वो क्लोज हो जाती है। इसके बाद GF1 GF0 ये किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोग्रामर के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। GF1 जनरल फ्लैग बिट है, ये आपका GF0 क्या लिख सकते हैं, इसको GF0 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप GF0 को लिख सकते हैं क्या, जनरल फ्लैग बिट, दिस इज नथिंग सिंपली ये जनरल फ्लैग बिट, ठीक है। ये आपका GF0 जनरल फ्लैग बिट 0, और GF1 को क्या लिखेंगे, जनरल फ्लैग बिट 1, ठीक है ना। ये आपका प्रोग्रामर के द्वारा डिसाइड होता है। उसके बाद यस मोड हमने बता ही दिया, अगर ये अगर सेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉड रेट इसमें क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो मान लीजिए अगर इसको शॉर्ट में आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, तो आइडियल मोड में आप देख लीजिए इसको 1 करने का मतलब सीधे CLK लिख दीजिए, इसका मतलब समझिए कि क्लॉक पल्स CPU को नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये पावर डाउन में, ठीक है, पावर डाउन हो जाता है, डाउन होने पर जो ऑक्सीलेटर है वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये आपका जनरल का मतलब हो गया कि प्रोग्रामों अपने अनुसार इसको यूज करेगा, जनरल बिट हो गया ये, ठीक है। और ये आपका बॉड रेट को डिसाइड करने वाला है, इस प्रकार बिना कुछ कहे। और ये तीनों क्या है, फॉर फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई मान लीजिए बिट्स जनरेट होता है तो यहाँ फीड किया जाएगा, ठीक है, फॉर फ्यूचर रिजर्व्ड बिट, ठीक है, बिट्स देखिए 3 है ना तीनों, और ये आपका यस मोड बिट है, ठीक है। इस प्रकार पावर कंट्रोल रजिस्टर्स के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थीं लगभग वो सब हमने आपको शेयर किया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रजिस्टर्स पर। हाँ तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको पी कोन रजिस्टर को एक्सप्लेन किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 2 प्रकार के और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जो अंतिम हैं, लास्ट हैं। अब बिल्कुल मत घबराइएगा, इनके बारे में बहुत डिटेल हम नहीं बताएंगे, बहुत संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनते नहीं हैं। जिस पर बनते हैं उसको मैंने पूरा डिटेल स्टडी कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको मोर एक्सेस नॉलेज ले सकते हैं इसके बारे में। अब आप बिल्कुल मास्टर हो गए हैं इंटरप्ट के, और मास्टर हो गए आप स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के। आप कहीं भी कुछ भी देखेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। अगर मान लीजिए किसी के बारे में आप डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं तो अगर आप गूगल करेंगे तो उससे बहुत सारे नॉलेज आपके सामने अपडेट होगा, आप सब चीज़ को समझ भी लेंगे, क्योंकि यहाँ हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। फॉर मोर नॉलेज यू कैन यूज गूगल, आप गूगल का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए इसमें आपको अगर डॉक्टरेट करना हो, इसमें PhD करना हो, या इसमें आपको बहुत कुछ सीखना हो, समझना हो, जानना हो, तो आप इन चीज़ों को गूगल के द्वारा और अपडेट या नॉलेज ले सकते हैं। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू। अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जो है आपका ASCON और SBUF, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल नहीं चलेंगे, बस थोड़ी बहुत जानकारी हम देंगे इसके बारे में। उसके बाद आपका ये आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का जो सिलसिला चलता चला आ रहा है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब इस चैप्टर में 2
और टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन सेट क्या कर दिया है, पहले ही दे दिया है, जबकि इसको पहले नहीं देना चाहिए, बाद में देना चाहिए। पहले एड्रेसिंग मोड होना चाहिए, तब इंस्ट्रक्शन सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, जानकारी रखेंगे, उसके बाद तब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, असेंबली लैंग्वेज डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद तब हमारा लास्ट चैप्टर होगा स्काडा, जिसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। स्काडा पर सबसे मजबूत और ज़बरदस्त बार करना है, क्योंकि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस लाने वाला है, ठीक है। इसलिए वहाँ इसको हम डिटेल स्टडी कराएंगे स्काडा के बारे में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में भी आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को पाएंगे। आप उसको एक बार पढ़िए नोट्स में, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जब आएंगे उसको आप पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बहुत समय बात इधर उधर न करते हुए, डोंट बुस अबाउट बुट, लिसन टू मी केयरफुली हियर, द मेन पॉइंट हैज बीन गिवन फॉर यू, एस कॉन रजिस्टर, द फुल फॉर्म एस कॉन इज नो दैट सीरियल कंट्रोल रजिस्टर विच इज टाइप ऑफ सीरियल पोर्ट विच इज कनेक्टेड विद सीरियल पोर्ट ऑपरेशन यू कैन से। ये जो आपका रजिस्टर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, एस कॉन रजिस्टर, क्या बोलते हैं इसको, एस कॉन रजिस्टर। इसका जो फुल फॉर्म है उसका नाम है सीरियल पोर्ट रजिस्टर। क्या है आपका ये, सीरियल पोर्ट रजिस्टर, ठीक है। ये आप देखिए सीरियल पोर्ट नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। डोंट वरी, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं और ह्यूमन है, एरर होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के अंतर ही, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। इसको फुल फॉर्म होता है बेटा सीरियल डाटा बफर, इसको क्या बोलते हैं, सीरियल डाटा बफर रजिस्टर, ठीक है। ये भी आपके 8 बिट के रजिस्टर हैं, ठीक है। ये भी आपका 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। सीरियल कंट्रोल आप लिख सकते हैं क्या, यस कॉन रजिस्टर, यस कॉन रजिस्टर कंटेंट्स 8 बिट्स डाटा। ये 8 बिट डाटा को कंटेंट करता है, ये आप जानते हैं। उसी तरह से 8 बिट बनाएंगे, सबके बारे में लिखेंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा। जितनी जानकारी इसमें रखनी उतना आप रख लीजिए, ठीक है। विच इज यूज्ड फॉर, विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल द सीरियल पोर्ट ऑपरेशन। बेटा अगर इस चीज़ को आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, यस कॉन रजिस्टर 8 बिट डाटा को कंटेन करता है, या लिख सकते हैं आपका क्या, लिख सकते हैं यस कॉन रजिस्टर, यस कॉन रजिस्टर 8 बिट डाटा को क्या करता है, धारण करता है, ठीक है, को होल्ड रखता है, जो सीरियल पोर्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सीरियल पोर्ट ऑपरेशन में आपका ब्रॉड रेट ही, ब्रॉड रेट को मान लीजिए कंट्रोल करना हो तो कैसे कंट्रोल करेंगे, इसी के द्वारा करेंगे, ठीक है। डाटा को, रिसीव होने वाले डाटा या ट्रांसमिट होने वाले डाटा को अगर कंट्रोल करना हो तो आप इसी के द्वारा कंट्रोल करेंगे। यानी कि जो भी सीरियल पोर्ट के द्वारा सीरियल पोर्ट ऑपरेशन हो रहा है उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को अगर किसी रजिस्टर के द्वारा कंट्रोल करना है तो रजिस्टर का नाम होता है यस कॉन रजिस्टर, 8 बिट का रजिस्टर होता है। इसको आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा। तो उतनी जानकारी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पता देने से आपके लिए नुकसान भी हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट है आप उसको भूल जाएंगे, इसलिए इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं आपको बता रहे हैं। बस इतना बता रहे हैं सीरियल पोर्ट के ऑपरेशन को ये क्या करता है, ये सीरियल पोर्ट के ऑपरेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर्स, ठीक है।
लाइक एज आप लिख सकते हैं, सच एज, सच एज क्या क्या लिख सकते हैं, बॉड रेट, ठीक है, आपका रिसीव डाटा, ट्रांसमिट डाटा, इसको कंट्रोल करना हो तो इनका हम यूज करेंगे। इसके बाद आता है सीरियल डाटा बफर रजिस्टर, ये भी सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड रजिस्टर हैं। हमने जब पिन डायग्राम आपको बताया था तो उसमें हमने सीरियल पोर्ट को डिस्कस किया था, और ब्लॉक डायग्राम जब हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जब ब्लॉक डायग्राम बताया था तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था सीरियल पोर्ट के बारे में, जिसमें हमने बताया था सीरियल पोर्ट क्या होता है, वहाँ पे हमने बताया था कम्युनिकेशन क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, एसिंक्रोनस पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, या सिंक्रोनस पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने सब कुछ वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया था। तो उसी सीरियल पोर्ट से रिलेटेड जो रजिस्टर्स हैं जो सीरियल पोर्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, उसके डाटा को होल्ड करते हैं, यही दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं जिसको यस कॉन और यस बी यू एफ रजिस्टर कहते हैं। हमने बताया था आपको कि मान लीजिए कि आप कुछ इनपुट कर रहे हैं, लगातार आप इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो प्रोसेसर में, जो भी, अगर लगातार आप इनपुट डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इनपुट लगातार अपडेट हो रहा है कंप्यूटर डिस्प्ले पे, इसका मतलब वहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। चाहे आप माउस के द्वारा कम्युनिकेशन कर रहे हो या आप कीबोर्ड के द्वारा कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यानी कि डाटा ट्रांसफ़र तो हो रहा है, चाहे वन बाय वन हो चाहे ए टू बिट डाटा एक साथ हो जाए। तो 8 लाइन में जब ए टू बिट डाटा एक साथ ट्रांसफ़र होता है तो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है कम दूरी के लिए, जब डाटा वन बाय वन ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन होता है, यह कम दूरी के लिए होता है, इसके बारे में हमने बताया था। अगर यह बॉड रेट या डाटा ट्रांसफ़र पर सेकंड कांस्टेंट है तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आ जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आ जाएगा। हमने सीरियल पोर्ट ऑपरेशन के बारे में सारी चीज़ें बताए हैं। तो मान लीजिए अगर कम्युनिकेट कराना हो किसी डिवाइस से आपके कंप्यूटर को, तो आप सीरियल पोर्ट में ही उसका कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर दो रजिस्टर्स लगे होते हैं जिसको यस कॉन और यस बी यू एफ रजिस्टर कहते हैं। उसमें यस कॉन रजिस्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 8 बिट का रजिस्टर है और ये सीरियल पोर्ट ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं सीरियल डाटा बफर रजिस्टर क्या करता है। तो सीरियल डाटा बफर रजिस्टर आल्सो कंटेन डाटा बफर रजिस्टर। मैंने आपको बताया था पोर्ट का क्या मतलब होता है, पोर्ट का मतलब होता है जिसके द्वारा आप इनपुट या आउटपुट, डाटा को इनपुट या आउटपुट के आसानी से कर सकते हैं, जिस माध्यम के द्वारा उसी को पोर्ट कहते हैं। जैसे आप एटीएम कार्ड को जब एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं तो पोर्ट होता है, या मान लीजिए सीपीयू में आप डाटा केबल घुसेड़ते हैं तो उसके पोर्ट में ही डालते हैं, या लैपटॉप में किनारे किनारे जो छोटे छोटे होल्स बने होते हैं जिससे डाटा केबल को डाला जाता है, निकाला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके छोटे छोटे जो भी बॉक्स टाइप होते हैं जिसमें हम डाटा केबल को डालते हैं उसी को पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट में मान लीजिए कि हम कंप्यूटर से किसी पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ना है तो उसी सीरियल पोर्ट में ही उस पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, चाहे कीबोर्ड हो गया, चाहे माउस हो गया, जो कुछ भी हो गया, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट में आपके दो रजिस्टर्स होते हैं जिसको यस कॉन यस बी यू एफ है, ये आपका सीरियल डाटा बफर रजिस्टर कंटेंट्स आल्सो कंटेंट्स 8 बिट। इट इज यूज्ड फॉर होल्ड द रिसीव्ड आर ट्रांसमिट रिसीव्ड या ट्रांसमिट डाटा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं सीरियल डाटा बफर रजिस्टर आल्सो कंटेन, ये भी 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। इट इज यूज फॉर होल्ड रिसीव्ड आर ट्रांसमिट डाटा, ठीक है, ये इन सीरियल पोर्ट, ठीक है। ये चीज़ें हैं सीरियल पोर्ट में डाटा को रिसीव या ट्रांसमिट करते समय उसको होल्ड करने का काम यह सीरियल डाटा बफर रजिस्टर्स करता है, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या, यह 8 बिट का रजिस्टर है जो
ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट या रिसीव डाटा को होल्ड करने का कार्य करते हैं, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका सीरियल कंट्रोल रजिस्टर और सीरियल डाटा बफर रजिस्टर। ठीक है, इसी के साथ टोटल 21 टाइप्स के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स फिनिश होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका है आगे इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ेंगे और एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स आपके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जैसे आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, उसको पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है गिवन कमांड, जो कमांड दिया जाता है उसी को अदर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी इंटायर इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका अगर आपको याद करना हो तो बी डॉल टेस्ट आप जानते ही हैं, तो बी डॉल से याद कर सकते हैं। बी फॉर बी हो गया आपका, डी हो गया, ओ हो गया, जैसे बी का मतलब ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, डी का मतलब डाटा मूविंग इंस्ट्रक्शन, ए का मतलब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एल का मतलब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन सारे इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल हम आपको समझाएंगे। उसी प्रकार एड्रेसिंग मोड मतलब किस तरह के इनपुट दिया जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हुई हो, तो आप इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपने बहुमूल्य समय दिए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।